नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, सुपर साइक्लोन में बदला, बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही की आशंका। अब बंगाल और उड़ीसा तट की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है चक्रवात अम्फान। तूफान अम्फान से बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में नुकसान हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की जानकारी के मुताबिक चक्रवात अम्फान अब बंगाल और उड़ीसा तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। चक्रवात की वर्तमान गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। हालांकि चक्रवात अभी दीघा से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर है। IMD के मुताबिक महानिदेश मृत्युंजय जो महापात्रा हैं, उन्होंने सोमवार को का यहां बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने ताकतवर चक्रवाती तूफान अम्फान से पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय जिलों में व्यापक नुकसान हो सकता है, जिसका मुख्य कारण चक्रवात का सुपर साइक्लोन बदलना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उड़ने वाले इस चक्रवात की रफ्तार अभी और अधिक बढ़ने की आशंका है। यही वजह है कि संभावित खतरे को भांपते हुए उड़ीसा के 12 जिलों और पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और आपको बता दें कि कोलकाता समेत दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अम्फान उड़ीसा में 1999 में तूफान के बाद दूसरा सुपर साइक्लोन चक्रवाती तूफान है। वह ऐतिहासिक रूप से सबसे तीव्र चक्रवाती तूफान था। 1999 के सुपर साइक्लोन में 9000 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। 700 किलोमीटर तक फैले और लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई वाला चक्रवात अम्फान अपने केंद्र से 220 से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप द सुगम के साथ बने रहें। नई खबर के साथ मिलते हैं।